इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमने कल भी कहा था कि फिर से मुसलमानों को छेड़ने की खबरें रोजाना हासिल हो रही है। ईद उल अधा के वक्त किस तरह मुसलमानों पर हमले मुस्लिम मिल्कियत को उत्तर भारत के कुछ रियासतों में निशाना बनाएगा। आज फिर दिल्ली में मंगलपुरी की मस्जिद पर एमसीडी की जानिब से गैर कानूनी जगह पर एनक्रोचमेंट कहते हुए उसे बुलडोजर से ढहाया गया। आज इसी पर बात करते हैं। दिल्ली की मंगलपुरी मस्जिद को गैर कानूनी कहते हुए एक हिस्से को तोड़ा गया, जिसके बाद भारी बवाल भी देखने को मिला। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया था। मुकामी मुसलमानों की जानिब से विरोध तो किया गया, लेकिन इंतजामिया के साथ पहुंची एमसीडी मोहकमा ने मस्जिद के हिस्से को गिरा ही दिया। यूपी अकबरपुर में भी इसी तरह मुस्लिम मोहल्ले पर बुलडोजर चलाया गया। सवाल ये उठता है कि क्या मस्जिदें, दरगाहें या फिर मुस्लिम आबादियां ही गैर कानूनी है? क्या दिगर मजाहिब के लोगों की इबादतगाहें या कॉलोनियां पूरी तरह से कानून के दायरे में ही है? मतलब जैसे हमने कल भी कहा था कि चुनाव के बाद मामला फिर से शुरू हुआ है। तमाम मुस्लिम इदारों, जिम्मेदारों, दीनी रहनुमा, सियासी रहनुमाओं को बैठकर आने वाले दिनों में इसका क्या हल हो सकता है सोचना होगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार इस पर वीडियोस बना रहा हूं। बेखौफ होकर सिर्फ गैर कानूनी या एनक्रोचमेंट के नाम पर मखसूस लोगों के मकानों, इबादतगाहों को निशाना बनाने पर समाज का इस तरह खामोश बैठना बेहिसी ही कह सकते हैं। बाबरी मस्जिद के पहले इस तरह का माहौल बनाया गया, पूरे मुल्क में नफरत की फिजा को आम किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उसे भी सही ठहराया गया। कभी ज्ञानव्यापी, कभी काशी मथुरा के नाम से माहौल को गर्म करने की कोशिश मुस्तकिल जारी रही। हर मस्जिद के नीचे इनको मंदिर नजर आने लगे। अदालतों ने भी ज्ञानव्यापी मामले में पूजा पाठ की इजाजत दी, जबकि मस्जिद की अंजुमन कमेटी ने इस पर एतराज भी किया तो अदालत ने उसे भी रद्द कर दिया। मतलब एक डर खौफ एक समाज के दिल में इस तरह बिठाया गया कि अब मस्जिदों पर बुलडोजर चलना गोया आम सी बात मुसलमानों को लगने लगी है। मतलब मुसलमानों का आज एक जहन बन चुका है कि हाँ, ये तो होता ही रहेगा, एहसास खत्म होता जा रहा है। बड़ी तंजीमें, इदारे ऐसे इन वाकियात को अनदेखा कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज भी कितनी मस्जिदों में मौजूदा हालात में रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन कभी किसी मस्जिदों में इस पर तस्करे करते हुए आज भी नहीं देखे जा रहे। और सच्चाई है, डर खौफ आज भी बरकरार है। तो कुछ लोगों को यूं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत विपक्ष है तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। आज संसद में डिप्टी स्पीकर को लेकर बहस देखी गई। विपक्ष यकीनन मजबूत है और संविधान के दायरे में जितना हो सकता है संसद में आगे भी आवाज उठाएंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि यह जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी? हम हर बात के लिए दूसरों की तरफ उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। इन तमाम के दरमियान एक बात शिद्दत से महसूस की जा रही है कि मुसलमान कुछ करना नहीं चाहता, मतलब वो आवाज भी उठाना नहीं चाहता। और अगर कोई आवाज भी उठाए तो वो दूसरों की तरफ देखता है। मुसलमानों के नाम निहाद लीडर्स तो है ही, लेकिन कोई भी जहां पर भी मुसलमानों पर हाल फिलहाल में जो जुल्म ढाए गए वहां ना पहुंचे हैं और ना ही उन पर किसी तरह का बयान अब तक दिए। दिल्ली के मस्जिद के एक हिस्से को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया, या फिर अभी हाल ही में अकबरपुर में 1500 मकानात के साथ मस्जिद दरगाहों को भी मस्मार किया गया। राजस्थान यूपी में गोरक्षा के नाम पर 3 कुरैशी बिरादरान को जान से ही मारकर उन्हें पुल के नीचे फेंक दिया गया। घरों से बकरीद का गोश्त लेकर हंगामा इन्हीं फिरका परस्तों की जानिब से किया गया। कुर्बानी का स्टेटस रखने पर छत्तीसगढ़ में दुकानों को जलाया गया। बहुत कुछ हो रहा है पर मुसलमान इत्मीनान से हैं। एक तरह की खामोशी इनमें देखने को मिल रही। मुसलमानों का इस तरह दिन ब दिन बेहिस होना आने वाले खतरात की तरफ इशारा है। नाम निहाद कुछ इल्मी माहिरीन आज भी मसले के इख्तलाफात से उभर नहीं पा रहे। इख्तलाफात को इसलिए भी वो बरकरार रखना चाहते हैं ताकि मसले की दुकानों को वो बराबर चलाते रहे और खुराक भी मिलती रहे। क्या वाकई आज भी किसी इख्तलाफात की गुंजाइश होनी चाहिए जब खुदा का घर गिराया जा रहा हो? तो ईमान की दलील यह है कि वह बेचैन हो जाता। भारत में 30 करोड़ के करीब मुसलमान होने की बात कही जा रही है,
लेकिन कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठ रही। इसे क्या कहा जाए? दिल्ली में मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। बेलगाम, अगर हमारे शहर की बात की जाए तो कई लोगों को इस खबर का इल्म भी नहीं है। सिर्फ वक्ती हरकत करने की हमें आदत हुई है। इलेक्शन नजदीक था, इलेक्शन के दौरान भागा दौड़ी देखी गई। इलेक्शन नजदीक आता है तो वोटर आईडी या आधार कार्ड ढूंढने निकलते हैं या बनाने निकलते हैं। CA NRC की खबर सुनते हैं तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट या माँ बाप दादा के दस्तावेज ढूंढने या बनाने को निकलते हैं। मस्जिदों पर कार्रवाई होने की खबर सुनते हैं तो मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन या वक्फ में नाम दर्ज कराने की जल्दबाजी देखने को मिलती है। और ये तमाम सब वक्ती रहता है। आज भी बेलगाम की कई मस्जिदें रजिस्टर नहीं है, ऐसी खबर है। फिलहाल कांग्रेस की हुकूमत है, बजाय इसे गनीमत समझकर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। मामला वही का वही तब तक रहता है जब तक नई मुसीबत नहीं आती। और इसी रविश को पिछले कई सालों से मुसलमान इख्तियार किए हुए इदारे तंजीमें रजिस्टर तो हो जाती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती। आज भी बेलगाम शहर में कई इदारे हैं लेकिन वो भी खामोश बैठे हुए हैं। बहुत बहुत ज्यादा, यानी कि एक फ्री मेडिकल कैंप रखा जाता है, उसके आगे तो कोई बात बनती नहीं है। आपको सरगर्म कारकुन अगर इसमें भी मिलते हैं तो महज एक या दो मिलेंगे। कहने का मतलब, मुस्तकिल मिजाजी मुसलमानों में देखने को नहीं मिलती। उत्तर भारत में मुसलमानों पर एक बार फिर से जुल्म ढाए जाने की तलाश हासिल हो रही है। मुल्क की सतह पर मुसलमानों की बड़े बड़ी तंजीमें इदारे हैं पर इनकी भी आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। आज भी जेलों में मुस्लिम नौजवान लाखों की तादाद में है। इस मामले पर तो कोई नजर डालने के लिए तैयार ही नहीं है। छोटे से जुर्म के लिए भी महीनों जेलों में रखा जाता है। बेलगाम शहर में भी अपनी अपनी जमातों के प्रोग्राम्स हो रहे हैं पर मिल्ली मसाइल को इज्तमाही तौर पर लेकर कहीं पर जोड़ या इजलास नहीं देखने को मिलता। हुकूमतें किसी की भी हो, मुस्लिम समाज को मुत्तहिद होकर कुछ फैसले जरूर लेने होंगे। अब दो दो जमातें, इसके पीछे नमाज नहीं होती। कौन सही कौन गलत के घिसे पीटे मसाइल से बाहर आकर मिल्लत के इत्तेहाद के लिए नई शुरुआत की जरूरत है। वरना उत्तर भारत की तरह हालात यहाँ पर भी रोनुमा होने में देर नहीं लगती। NDA इंडिया गठबंधन की लड़ाई संसद में जारी है। फिरका पर सोचो फिक्र की पार्टियों को जरूर घेरा भी जा रहा है लेकिन साथ में समाज में नफरत की फिजा को बढ़ाने का काम भी जारी है। मुसलमान आज भी बैसाखियां सहारे तलाशते हुए किसी और की तरफ उम्मीद लगाए बैठ रहा है जबकि इसके फैसले आसमान पर हुआ करते हैं। तमाम पार्टियों से उम्मीद लगाकर असल खुदा की तरफ ही आज का मुसलमान अनदेखा कर रहा है और यही आज की सच्चाई है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि निगाहे फख्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, बुतों से तुझको उम्मीद है खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।